हम जो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। हमसे वाकिफ है ये समुंदर, ये दरिया, ये पहाड़, हम नए रंग से तारीख को दोहराते हैं। ऐसे वतन जो तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जवाब चले आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दनैन जैनब और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत आजादी मुबारक हो। ये दो लफ्ज कहना तो बहुत आसान है, लेकिन इनकी कदर और कीमत उन लोगों से पूछे जिन्होंने इसको बनाने में दिनों रात एक कर दिए। मेरे सीने में लगा परचम इस बात की दलील है कि हम आजाद हैं। जी हाँ, हम आजाद हैं। अब वकारों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम आजाद हैं। जब भी काबा में हमला होता तो फौज हमारी जाती है, जब भी कश्मीर में जुल्म आता तो फौज हमारी जाती है, क्योंकि हम आजाद हैं। और जिन कौमों की सोच आजाद होती है उन पे चाहे गोलियां बरसाएं, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, फिर भी वो उन लोगों से बेहतर है जो ज़हनी गुलामी का शिकार है। मेरे हाथ में कलम, मेरे सहन, मेरे हाथ में कलम, मेरे सहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। मुझे फिक्रे अलम है, तुझे अपनी जात का गम है, मैं तलू होने वाला हूँ, तू गरूब होने वाला। मेरा मुल्क खुदा का साया है, वाला आ जाए मगर इसे बनाया ही कायम से दायम रहने के लिए है। और आखिर में आज के नौजवान को ये पैगाम देते हुए इजाजत चाहूंगी कि वो अपनी हस्ती को पहचानते हुए, सुस्ती और कहली को धिक्कारते हुए और मायूसी को अपने से कोसों दूर धकेलते हुए बस खुद को मेहनत के सांचे में डाल लें। और आखिर में ये दुआ करूंगी कि अगर जियो तो इस बात से जमीन की बका के लिए, अगर मरूं तो इसकी जिया के लिए, लश्कर 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 करेंगे मेरी दलील पे तबसरे, मर के भी जिंदगी खबर छोड़ जाऊंगी।